इस वीडियो को देखने के बाद Redmi Y3 के लिए MIUI 12 के रिकॉर्डिंग आपको YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। आप सबसे जरा बात को समझिएगा, पूरा सीन कुछ क्या चल रहा है और क्यों नहीं अपडेट Redmi Y3 को मिल रहा है MIUI 12 का, जरा समझिएगा दोस्तों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, छोटा वीडियो रखूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, जब MIUI 12 का स्टोर था, चारों तरफ की MIUI 12 का अपडेट आ गया है, ये फीचर है, ये है, उससे मैं एक बैच दिखाया था। आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा और मेरे चैनल पर शायद देखा होगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर देखा होगा। उसमें बैच था, शेड्यूल था कि पार्ट वन में इनको दिया जाएगा, पार्ट टू में इनको दिया जाएगा, पार्ट थर्ड में इनको दिया जाएगा। जरा बात को समझिएगा, उसमें जो आपका डिवाइस था रेडमी वाई थ्री, ये पार्ट वन में नहीं था। और एक बात यहाँ पर एक बात और गौर करिएगा, जो पार्ट वन में जो पहला डिवाइस था उस समय K20 सीरीज था, K20 और K20 प्रो था, उन सबका बीटा वर्जन रिलीज किया गया, जो कि कुछ यूजर्स के लिए उन्होंने टेस्ट किया, फॉर्म फिल किया, लगभग सभी के लिए रिलीज किया गया था। सारा लिंक तो मैं अपने चैनल पर आपको दे ही देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप आपको दे ही देता हूँ। उसके बाद उनका स्टेबल अब आया है आपके जुलाई स्टार्टिंग और जून एंड में, किसका, Redmi K20 Pro का। अब जरा इस बात को नोटिस करिएगा कि जो पार्ट वन बैच था, जो पहला बैच था, जो Xiaomi का पहला प्रायोरिटी बैच था कि सबसे पहले हमें इस डिवाइस को देना है क्योंकि नया डिवाइस था और फ्लैगशिप फोन है, काफी अच्छा फोन है और सबसे प्राइस रेंज में सबसे अधिक के वाले सीरीज ही चल रहे हैं, K20 सीरीज, तो सबसे जो पहला प्रायोरिटी था क्योंकि नया फोन था वो K20 सीरीज ही था। तो जो फोन का जो पहला जिस फोन का प्रायोरिटी था उसको तो जुलाई में मिला, जून के एंड में मिला, जुलाई की स्टार्टिंग में मिला। तो आप समझ सकते हो कि पार्ट वन में कितने डिवाइस थे, अब उन डिवाइसों का स्टेबल कब मिलेगा। अब इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि Redmi Y3 के MIUI 12 के अपडेट के रिकॉर्डिंग कितना डिले होने वाला है, डिले क्यों होगा, जरा बात को समझिएगा। इस चीज को पकड़िए कि इतना पहले स्टोर होता था कि जुलाई में आ जाएगा, जुलाई के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, क्यों नहीं मिला। देखिए, क्यों नहीं मिलने का बहुत सारा कारण है, उसमें से पहला जो कारण है वो ये COVID-19 वाला कारण, जिसको मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे जो वर्कर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क नहीं कर पा रहे। फिर जो दूसरा कारण है ये है कि जो अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने भी Xiaomi के डिवाइस है, Redmi के जितने भी फोन है, सबके ऊपर क्या हुआ है कि प्राइजेस बढ़ गई है। जो Redmi 8 था उसके ऊपर 1.5 हज़ार ऊपर प्राइसेस बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि जो चाइना और इंडिया का जो कंफ्लिक्ट है उसके कारण भी थोड़ा ये डिले हो रहा है, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरी सोच है, अब पता ना क्या होता होगा। लेकिन अब कितना डिले लग सकता है इस चीज का आप अंदाजा लगाओ। मैं आपसे ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि आ जाएगा, कल आएगा, मेरे पास ये है, वो है, मैं लिंक दे दूंगा, ऐसा चीजें मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो पार्ट वन था उसने जो पहला डिवाइस था उसको मिला है। अब सोचिए जरा, पार्ट वन के सारे डिवाइस को कब तक मिलेगा, फिर पार्ट टू में ना आपका नंबर आएगा भाई और बहनों। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, Redmi Y3 से सारे अपडेट की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं, सारे लिंक में अवेलेबल करवा देता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट के जरिए अवेलेबल करवा देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा देता हूँ, वीडियो बनाकर आप सबको बताते ही रहता हूँ। तो अगर आप Redmi Y3 की यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि Redmi Y3 की जितने भी रिलेटेड वीडियो है इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था कि नहीं मिलने वाला है भैया, इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है, मिलेगा जरूर लेकिन डिले होने वाला है भैया, सितंबर तक भी जा सकता है, मैं आज ही बोल दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आज आप सब्सक्राइब कर लो और आज आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें फजूल की चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कुछ लोग कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। एक और बात कि बीच में कोई पर्ट्रेटेड रोम का चल रहा है कि कहीं से रोम निकाल लिए और उसको फ्लैश करवा दिए गैर कानूनी तरीके से, तो उन सारी चीजों को मत करिएगा, वो सारी चीजें रिस्क हैं और क्योंकि वो सीधे कंपनी की तरफ से नहीं आती है, कोई थर्ड पार्टी लोग उनको मोड करता है आपके लिए, उस रोम को बेसिकली आप कह सकते हो हैक करके आपको अवेलेबल कराया जाता है, आसान भाषा में उसको क्रैक करके अवेलेबल करवाया जाता है। तो हो सकता है कि आपके डिवाइस के लिए भी कोई लोग बताते हैं, तो उन सारी चीजों को इग्नोर करिए। जो Xiaomi की तरफ से ऑफर आता है उसका लिंक मैं अवेलेबल करवाता हूँ और उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर घटिया काम नहीं करना है। अभी तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।